धौलपुर जिले के सैपो में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की। विभाग ने त्योहार को देखते हुए अचानक कार्रवाई की, जिससे कि मावा विक्रेता और मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। उपखंड के कुछ बड़े दुग्ध व्यापारी प्रतिष्ठानों को बंद कर भाग गए। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि दीपावली का त्योहार नजदीक है। जिला मुख्यालय से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सैपो कस्बे में कार्रवाई के लिए बुलाया गया। उपखंड के बसेड़ी मार्ग, धौलपुर मार्ग, बसई नवाब मार्ग और भरतपुर मार्ग पर मिठाई और मावा विक्रेताओं से नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए धौलपुर भेजा जाएगा। एसडीएम ने कहा कि त्योहार को देखते हुए प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती बनाए हुए हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में तहसीलदार देवीराम मीणा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद्म सिंह के साथ पुलिस बल भी उपस्थित रहा। दीपावली के त्यौहार पे बड़ी संख्या में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और इसमें हमेशा शिकायत रहती है कि मिठाइयों में मिलावट की जाती है। तो जिला स्तर पे ही जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, सी एम एच ओ, उन्होंने टीम बनाई है। उसमें जो खाद्य चिकित्सा अधिकारी उनके साथ में एक टीम है जो सैंपलिंग का काम कर रही है। आज सैपो में हमने मेरी उपस्थिति में यहाँ पे 4 दुकानों पर सैंपलिंग की। यदि इनमें किसी तरह की कोई अडल्ट्रेशन पाया जाता है।